हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार 49वें दिन भी जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए कृषि कानून के लागू होने पर रोक लगा दी है। हालांकि इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई कमेटी पर रार छिड़ी हुई है। वहीं कमेटी पर छिड़ी रार के बीच किसानों ने अपनी लड़ाई जारी रखने की बात कह दी है। आज लोहड़ी के मौके पर किसान संगठनों द्वारा कृषि कानून की प्रतियां जलाई जाएंगी। साथ ही 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन शांति से ट्रैक्टर रैली निकालने की बात कही गई है। कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान लगातार दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में तीनों कानूनों पर तब तक के लिए स्टे लगा दिया है जब तक कि कमेटी इस पूरे मामले का समाधान नहीं करती। इसके साथ ही कृषि कानून पर जारी विवाद निपटाने के लिए 4 सदस्यों की कमेटी बनाई है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी से किसानों ने किनारा कर लिया है। किसानों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कमेटी के गठन पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट की कमेटी मंजूर नहीं। किसान संगठनों ने आरोप लगाया है कि कमेटी में शामिल चारों लोग इन कानूनों का समर्थन कर चुके हैं। ऐसे में ये लोग सरकार के पक्ष में ही अपनी रिपोर्ट देंगे। ये हमने एक बहुत प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी प्रेस नोट दिया था क्योंकि परसों यह प्रेस को रिलीज करते हुए बताया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कल कोई कमेटी बनाता है मीडिएशन के लिए, वो कमेटी हमें मंजूर नहीं होगी। तो ये हमने एक बहुत प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी प्रेस नोट दिया था क्योंकि परसों चर्चा हुई थी, कल सुप्रीम कोर्ट में ऐसी चर्चा हो रही थी कि कमेटी बनने जा रही है और हमें ये पूरा विश्वास था अपनी चीज के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए गवर्नमेंट अपने कंधे से बोझ को हटाकर सुप्रीम कोर्ट के जरिए कमेटी बनाने जा रही है, जिसका हमने आपत्ति से लोगों से कभी भी वो किसान के आंदोलन के बारे में ठीक उनकी राय होगी जो आर्टिकल लिख लिख के प्रेस में जस्टिफाई करते रहे कि ये कानून ठीक है, तो ऐसी कमेटी को तो बिल्कुल ही कोई मान नहीं सकता। वैसे भी हम असूली तौर पे क्लियर है कि ये कमेटियां वेटियां ये सब कुछ इशू को ध्यान डाइवर्ट करने के लिए है ताकि सरकार से प्रेशर कम हो जाए। तो हमने तय किया है कि हमारा ये आंदोलन चलता रहेगा। ये हमने एक बहुत प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी प्रेस नोट दिया था क्योंकि परसों चर्चा हुई थी।